एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चान सारे वर्कर्स को बाहर बुलाकर ले आई थी। तभी वहाँ टियन भी आ जाता है। चान उसे देखकर कहती है, अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ आ गए, तुम ही तो ये सब की जड़ हो, आज तुम्हें भी पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी माँ ने किस तरह डोंग की जान ली है। जियो भी टियन की तरफ ही देख रहा था। जिया ली से कहती है, अगर आज मुझे कुछ भी होता है तो आपको अपना और टियन का हमेशा ख्याल रखना होगा, मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, मेरे जाने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर देना। ली ये देखकर उससे कहती है, जिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी पाओ को जमीन में गड़ा हुआ वो बॉक्स मिल जाता है और वो तुरंत सॉन्ग के पास लेकर आता है। सॉन्ग जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। नुआन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद जिया को इस बॉक्स को यहाँ गड़ाते हुए देखा था और उस बॉक्स में काफी सारे बीटल ऑर्किड्स थे। ली कहती है, अब तो आपको पता चल गया ना, मैंने और जिया ने कुछ नहीं किया है। तभी जिया कहती है, कोई हमें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसने ही ये बॉक्स यहाँ गड़ाया होगा। तभी सॉन्ग कहता है, कोई यहाँ खाली बॉक्स गड़ाकर तुम्हें क्यों फंसाना चाहेगा। ली कहती है, आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, मैंने कहा ना मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। एक एक करके सब वहां से जाने लगते हैं। टियन भी वहां से चला जाता है और जियो की नजर सिर्फ उस पर ही होती है। सॉन्ग कहता है, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करता रहूंगा तब तक जब तक मुझे सच का पता ना चल जाए, और वो डॉक्टर जी को तब तक के लिए अपने साथ ही रहने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद नुआन सॉन्ग से कहती है, मैं श्योर हूँ कि मैंने वहां जिया को बॉक्स रखते हुए देखा था। चान कहती है, नुआन बेवकूफ जरूर है पर वो झूठ नहीं बोलती। तभी सॉन्ग कहता है, चान अब से तुम इस मैटर से बिल्कुल दूर रहोगी, सब लोग जानते हैं कि तुम हमेशा से ली से चिढ़ती आई हो, और अगर तुम जानबूझकर इस मैटर में पढ़ने की कोशिश करोगी तो सबको लगेगा कि तुम ली को फंसा रही हो, इसलिए तुम इस मैटर में अब कुछ नहीं कहोगी, इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। चान कहती है, ठीक है, पर जब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा तो आपको एक फेयर डिसीजन लेना होगा। दूसरी तरफ जिया और ली भी परेशान थे कि आखिरकार बॉक्स में से वो ऑर्किड्स कहाँ गायब हो गए। जिया कहती है, इसका मतलब नुआन के अलावा किसी और ने भी मुझे उस दिन ऑर्किड्स को गड़ाते हुए देखा था। ली कहती है, हमें जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिरकार वो ऑर्किड्स किसने चुराए हैं। वो ऑर्किड्स टियन ने ही चुराए थे, उसने जिया को उस बॉक्स को वहां गड़ाते हुए देख लिया था और वो उस बॉक्स में से बीटल ऑर्किड्स को खाली करके ले आया था। टियन यही सब बैठकर सोच रहा था और वो काफी परेशान था। तभी जियो उसे देख लेता है और उसके पास वहाँ आता है। जियो उससे कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही, आज जो भी कुछ हुआ तुम उसी बारे में सोच रहे हो ना, तुम्हें उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो टियन कहता है, मैं कैसे ना सोचूं, तुमने भी देखा ना कि आज कितना कुछ हुआ, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जियो कहता है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। टियन उसे पूरा सच तो नहीं बता पाता, वो बस उसे इतना कह देता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं बाकी सबसे अलग हूँ और इसीलिए सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो सब लोग आज खुश होते, काश मैं मर गया होता। जी उसकी आंखों में दुख साफ देख पा रहा था, वो उस पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, तुम्हें पता है सारे नौकर तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी बातें करते हैं, वो सब कहते हैं कि तुम बहुत हम्बल हो, बहुत काइंड हो, हमेशा दूसरों की मदद करते हो और कमजोर लोगों का फायदा नहीं उठाते, वो सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और मैं भी करता हूँ। ये लाइन सुनकर टियन एकदम शॉक रह जाता है और जियो की तरफ ही देखने लगता है। तभी जियो उससे कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि फू और मैं भी तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे तुम्हें कहने के लिए कहा था। टियन उसे कहता है, थैंक यू सो मच जियो, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी जियो देखता है कि टियन के बालों पर कुछ लगा हुआ था, वो उसे हटाने लगता है। अचानक वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी ली वहाँ आ जाती है और टियन को आवाज़ देती है। वो टियन को जियो के साथ देख कर बहुत गुस्सा हो जाती है और टियन से कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वो टियन को अपने रूम में लेकर आती है और उससे कहती है, टियन ये सब तुम क्या कर रहे थे, तुम एक आदमी को हमारे घर में लेकर आए उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए, वो आखिरकार है कौन। टियन कहता है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ली कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक आदमी को अपने इतना नजदीक आने दिया, मैं सोच रही थी कि मुझे एक डॉटर इन लॉ मिलेगी पर मुझे क्या पता था कि मुझे एक सन इन लॉ मिलने वाला है। टियन चिल्लाते हुए कहता है, माँ अब बस करिए, वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, उसने देखा कि मैं काफी परेशान था इसलिए वो मेरे पास सिर्फ बात करने के लिए आया था। ली कहती है, तुम्हारी लाइफ बाकी लोगों से इतनी अच्छी है फिर तुम किस बात को लेकर परेशान थे। टियन कहता है, क्या आपको सच में लगता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मुझे परेशान नहीं होना चाहिए।
तभी वो अपने पास से सारे बीटल ऑर्किड्स निकालता है। ली उससे कहती है, तो तुमने ये बीटल ऑर्किड्स चुराए थे? जॉन कहता है, हाँ, मैंने इन ऑर्किड्स को आंट जिया को छुपाते हुए देखा था। मुझे डर था कि फ्यूचर में वो किसी और को मारने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगी, इसलिए मैंने उन्हें वहां से चुरा लिया। क्या अब भी आप स्वीकार नहीं करेंगी कि आपने ही डोंग की जान ली है मेरा सीक्रेट छुपाने के लिए? तो ली कहती है, अगर मैंने ये किया भी हो तो तुम क्या करोगे? सबको जाकर सच बता दोगे? टियन रोते हुए कहता है, माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं ये कभी भी नहीं चाहता था। आप लोगों की जान ले रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। ली कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? टियन कहता है, हाँ, आप ये सब कर रही हैं क्योंकि आपको इस घर में पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, और अगर सबको मेरा सच पता चल जाएगा तो वो पावर आपसे छिन जाएगी। ली कहती है, तुम हमेशा यही कहते हो, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता अपने लिए? अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी औरत लगती हूँ तो जाकर मेरी शिकायत अपने फादर से कर दो और मुझे अरेस्ट करवा दो, सारी सच्चाई उन्हें बता दो। टियन रोने लगता है, वो सारे बीटल ऑर्किड्स उठाता है और वही ली के सामने जला देता है और उससे कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया कि आप फ्यूचर में किसी और को इनका इस्तेमाल करके जान से न मार दें। रात के समय यांग टियन के पास आता है और टियन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आज फिर माँ और न्यून की वजह से घर में इतना तमाशा हो गया। टियन कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यांग कहता है, तुम्हें हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए टियन। टियन उससे कहता है, थैंक यू सो मच यांग, पर तुम भी इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। यांग कहता है, मुझे पता है मेरी माँ हमेशा मुसीबत खड़ी करती रहती हैं, बिना किसी सबूत के वो आंट ली पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। टियन उससे कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी माँ के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव है, हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो इसलिए वो माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो यांग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम कुछ जानते हो? टियन कहता है, कुछ नहीं, बस अब आगे किसी और को तकलीफ नहीं होगी। सॉन्ग से मिलने के लिए शाओतोंग वहाँ आती है और सॉन्ग से कहती है, ली और चान नहीं दिख रहे और आप भी आज काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्या कोई बात हुई है क्या? सॉन्ग कहता है, हाँ, एक बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ। तो शाओतोंग कहती है, क्या बात है बिग ब्रदर, आप मुझे बता सकते हैं? सॉन्ग कहता है, अजीब बात यह है कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए कैसे चली आई? क्योंकि अभी तो बिलिंग साइकिल का समय आया भी नहीं है, फिर आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? और ये मत भूलो, मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह तुम और माँ मिलकर मेरी फैमिली मेंबर पर अटैक करने के लिए पुलिस को यहाँ बुला लाए थे, और फिर तुम किसी ऐसे इंसान को यहाँ लेकर आए जो डोंग का रिलेटिव होने का दिखावा कर रहा था। मुझे अभी ये सब के बारे में भी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है? क्या कोई है जो तुम्हें मेरे घर के बारे में खबर दे रहा है? शाओतोंग बाहर खड़ी मर्द ये सारी बातें सुन रही थी। शाओतोंग कहती है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं बिग ब्रदर, आपको पता है कि मैं आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। सॉन्ग कहता है, हम किसी के भी बारे में नहीं जान सकते कि कौन कब कैसा हो जाए। शाओतोंग कहती है, शायद आप बहुत थक गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मर्ड उसे अपने साथ लेकर आती है। मर्ड कहती है, आज तो हम ऑलमोस्ट पकड़े ही गए थे। शाओतोंग कहती है, सारी मेरी गलती है, मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, उन्हें मुझ पर शक होने लगा। तभी शाओतोंग वहाँ जियो और टियन को साथ में देख लेती है और मर्ड से पूछती है, टियन के साथ वो लड़का कौन है? मर्ड कहती है, वो जियो है, वो यहाँ का नया वर्कर है, वो कितना हैंडसम है ना। शाओतोंग कहती है, वो यहाँ का वर्कर है पर देखने से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो मर्ड कहती है, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी टियन फिसलने वाला होता है पर जियो से गिरने से बचा लेता है। उन दोनों को नजदीक आता हुआ देखकर शाओतोंग को फिर से डाउट होने लगता है और वो मर्ड से कहती है, तुम इन दोनों पर नजर रखना और इस लड़के से प्यार मत कर बैठना, तुम्हारा असली काम है टियन से शादी करना, जितना जल्दी हो सके उसकी वाइफ बन जाओ जिससे टियन हमारी टी हाउस में मदद कर सके। रात के समय ली सॉन्ग के लिए सूप लेकर आती है। उसी वक्त डॉक्टर ची भी सॉन्ग के लिए सूप लेकर आता है। सॉन्ग ली का लाया सूप ना पीकर डॉक्टर ची का लाया हुआ सूप पीता है। तो ली उससे पूछती है, ये सब का क्या मतलब है? सॉन्ग कहता है, अब से डॉक्टर ची ही मेरी मेडिसिन का ख्याल रखेंगे। ली कहती है, पर क्यों, आज तक तो जिया आपकी मेडिसिन का ख्याल रखते आई है ना? सॉन्ग कहता है, वो पास्ट की बात थी, अब ऐसा नहीं हो सकता। ली कहती है, 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है मैं आपकी वाइफ हूँ और आपका ख्याल रखते आई हूँ, और आज आपको लग रहा है कि मैं आपको जहर दे दूंगी, क्या वो समय आपके लिए कुछ नहीं था? सॉन्ग कहता है, ऑफ कोर्स वो समय मेरे लिए बहुत कीमती था, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है, मेरी वाइफ के रूप में तुम सबसे ज्यादा डिजर्विंग थी और इस घर की मैडम के रूप में भी, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया ली, पर अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे दिल में क्या है,
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। टियन का ऐसा कौन सा सीक्रेट है? मैं भी टियन का फादर हूँ, मुझे भी जानने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है? ली अब भी उससे यही कहती है कि टियन का कोई सीक्रेट नहीं है। सॉन्ग कहता है, ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ ऐसे ही चाहती हो तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चलेगा उस दिन तुम मुझसे मत कहना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ऐसा कहकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। ली अकेले में रोने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर ची से अकेले मैं मिलने के लिए आती है। डॉक्टर ची उससे कहते हैं, मुझे लगा था कि यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा खुश तुम होंगी मुझे देखकर, पर तुम तो मुझे अवॉइड कर रही हो। लिया कहती है, हाँ, क्योंकि मैं निराश हूँ आपके वापस आने पर। डॉक्टर ची कहता है, वो तो तुम होंगी ही, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मुझे सच का पता चल जाएगा, मुझे बीटल ऑर्किड्स के बारे में पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें ये सारी स्किल्स सिखाई थी जिससे तुम लोगों की मदद कर सको, पर तुम तो लोगों की जान ले रही हो जिया। क्या तुम्हें पता है कि ये कितना गलत काम है? जिया कहती है, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, ये घर के अफेयर्स हैं, प्लीज इन्हें मैडम ली को ही हैंडल करने दीजिए। मैडम ली ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर ची कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाएगा। दूसरी तरफ मर्ट के दिमाग में एक और आइडिया चल रहा था। वो टियन के रूम में कैंडल जला रही थी और कह रही थी, आज तो टियन मेरा ही होकर रहेगा। जैसे ही दरवाजे पर आवाज़ होती है वो तुरंत वहाँ छुप जाती है। किसी के अंदर आते ही वो उसे पीछे से जकड़ लेती है, पर वो टियन नहीं था बल्कि वो जिया थी। जिया उससे कहती है, तुम यहाँ टियन के कमरे में क्या कर रही हो? मर्ट कहती है, मैं यहाँ सफाई करने आई थी। तो जिया कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ टियन को सिड्यूस करने के लिए आई थी। मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उससे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी शिकायत मैडम ली से कर दूंगी। टियन और जियो साथ में काम कर रहे थे। टियन जियो को एक बुक लाने के लिए कहता है। जियो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी सीख गया था। टियन उसकी तरफ देख कर मुस्कुराए ही जा रहा था। तभी जियो कहता है, इस बुक का काम हो गया है, मैं इसे वापस रख देता हूँ। टियन उससे कहता है, तुमने इन दिनों मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारी और भी प्रैक्टिस होगी तो तुम रीडिंग राइटिंग में और भी अच्छे हो जाओगे और जल्दी जल्दी काम करोगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं जिनके साथ वर्ड्स लिखे हैं जिससे तुम और भी अच्छे से सीख जाओ। जियो उन ड्राइंग्स को देखता है और टियन से कहता है, क्या तुमने मेरे लिए ये सब बनाया है? टियन उससे कहता है, हाँ, ये मैंने बनाए हैं, इससे तुम और भी जल्दी सीखोगे, अब हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। वो दोनों साथ में पढ़ ही रहे थे, तभी टियन की पेंसिल नीचे गिर जाती है। जियो और टियन दोनों उसे उठाने के लिए बढ़ते हैं तो उनके सिर आपस में टकरा जाते हैं और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। टियन जियो से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जियो कहता है, यहाँ सिर पर थोड़ी सी लगी है। टियन उसकी चोट चेक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ यांग आ जाता है। टियन यांग से पूछता है, क्या हुआ यांग? तो यांग कहता है, पेन यहाँ आई हुई है। टियन जियो से कहता है, तुम इन ड्राइंग्स को देखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। पर पेन का नाम सुनकर जियो को फिर से थोड़ी जलन होने लगती है। पेन दरअसल यांग की वजह से आई थी। वो टियन को देखकर कहती है, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? टियन यांग की खुशी देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी यांग कहता है, अरे इसमें परेशान करने की क्या बात है, तुम टियन की छोटी सिस्टर की तरह हो और जैसे ही तुम्हारा ये लैंड बिक जाएगा तुम टियन की सिस्टर इन लॉ बन जाओगी। पेन अचानक से शर्माने लगती है और यांग से कहती है, तुम भी ना। तभी उसकी हेयर पिन नीचे गिर जाती है जिसे टियन उठाता है और टियन ही पिन की हेयर पिन को उसके बालों में लगाने लगता है। उसी वक्त जियो वहां आ जाता है। जियो टियन को ऐसा करते हुए देख लेता है, उसे फिर से बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। वो अकेले में बैठा इसी सब के बारे में सोच रहा होता है, तभी टियन उस ड्राइंग बुक को लेकर वापस उसके पास आता है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। वो जियो से कहता है, हमें अब तुम्हारी पढ़ाई को रिव्यू कर लेना चाहिए, पर जियो उससे थोड़ा सा अलग हट जाता है और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। तो टियन कहता है, क्या हुआ जियो? जियो उससे कहता है, क्या जो वुमन अभी तुमसे मिलने आई थी वो तुम्हारी फियांसे है? टियन कहता है, हाँ, वो लेडी पिन है। पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जियो कहता है, कुछ नहीं, वो प्रिटी है। तो टियन कहता है, प्रिटी होने से ज़्यादा वो काफ़ी स्मार्ट वुमन है, उसमें काफ़ी हिम्मत है, मैं लकी हूँ कि वो मेरी फियांसे है। जियो ये सब सुनकर कहता है, आई थिंक आज हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टांग और पिन साथ में घूम रहे थे तभी ली उसे देख लेती है। ली पिन से पूछती है, तुम यहाँ अपने फियांसे के छोटे भाई के साथ क्या कर रही हो? टियन कहाँ है? तो यांग कहता है, टियन काम में थोड़ा बिजी था,
इसलिए मैंने सोचा मैं ही पिन को उसके घर तक छोड़ दूंगा। तो ली कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ। और वो पिन से कहती है आगे से ध्यान रखना कि तुम अपने फियांसे के छोटे भाई के साथ ना घूमो, वरना लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाने लगेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन पर बात आ सकती है। अब ली यांग को अपने पास बुलाती है। यांग उससे पूछता है आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। ली उससे कहती है शायद तुम अपनी जगह भूल गए हो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम किस तरह पिन को देख रहे थे। अपने भाई की फियांसे के साथ प्यार में पड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब सिखाया है? यांग कहता है शायद आप ज्यादा सोच रही हैं, हर कोई हर वक्त सिर्फ पावर के बारे में ही नहीं सोचता रहता, कभी कभी कोई प्यार के बारे में भी सोचता है। मैं टियन के प्यार के बीच में कभी नहीं आऊंगा, पर क्या आपको सच में लगता है कि लेडी पिन से ही टियन प्यार करता है? ऐसा कहकर यांग वहां से चला जाता है। और ली कहती है इस यांग की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे इस तरह बात की, मैं इसके साथ पास्ट में कुछ ज्यादा ही काइंड थी। वो जिया से कहती है आज से इस यांग पर भी नजर रखना। जिया कहती है सिर्फ यांग ही नहीं, हमें मर्ट पर भी नजर रखनी होगी, मैंने आज मर्ट को टियन के रूम में देखा, वो उसे सिड्यूस करने के लिए आई थी। तो ली कहती है पर मुझे लगता है ये अच्छा ही है, अगर टियन किसी लड़की के साथ सोता है तो शायद उसका दिल बदल जाए और उसे एक लड़की के साथ अच्छा लगे, और क्या पता मर्ड उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो जाए। तभी जिया ली को अपने साथ अपने रूम में लेकर आती है और उसे एक तरीके की डस्ट दिखाती है। जिया ली से कहती है इसका इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी इंसेक्ट ग्रो कर सकती हूँ जिनसे सिसाडा डस्ट बनेगी, और सिसाडा ऑर्किड्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बॉडी के अराउजल को बढ़ाती है। ली कहती है फिर तो हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जल्दी से इन्हें तैयार करो। ली ने यांग पर नजर रखवाना शुरू कर दिया था, इसलिए इस बार टियन यांग के साथ बाहर आता है जिससे यांग पिन से मिल सके। जैसे ही पिन उस मार्केट में आती है, यांग और पिन वहां से चले जाते हैं। पिन और यांग को देखकर टियन को जियो की याद आती है। पिन और यांग अकेले निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर वो देखते हैं कि टियन उनके साथ नहीं था। वो उसी जगह वापस आते हैं तो टियन अकेला बैठा हुआ था। यांग टियन से कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो, किस बारे में सोच रहे हो? टियन कहता है मैं जियो के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नाराज है या मुझसे अपसेट है। वो पढ़ाई करने के लिए भी मेरे पास नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया। यांग उससे कहता है टियन तुम शायद थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो, मे बी वो बस लेजी होगा मेरी तरह, मेरा भी तो कुछ करने का मन नहीं करता ना। टियन कहता है नहीं जरूर कोई और बात है, वो काफी ज्यादा नाराज और नाखुश दिख रहा था। पिन कहती है क्यों ना तुम उससे डायरेक्टली पूछ लो। तो टियन कहता है जियो उस तरीके का इंसान नहीं है, वो अपने दिल में ही अक्सर बातें रखता है। यांग कहता है फिर भी तुम उससे बात करके देखना, क्या पता वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो पिन पूछती है ये जियो कौन है। यांग कहता है जियो टियन के साथ काम करता है। पिन पूछती है लगता है टियन को उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह है। यांग को सब कुछ समझ आने लगता है। वो उसी दिन जियो के रूम पर जाता है, पर जियो अपने रूम में नहीं था। वो देखता है कि जियो के रूम के ऊपर कुछ होल बना हुआ था। वो जैसे ही उसमें हाथ डालता है तो वहाँ एक हथियार था और साथ में कुछ खत थे। वो जैसे ही उस खत को खोलने वाला होता है अचानक जियो वहाँ पहुँच जाता है और उसे किक मार देता है। जियो उसे कहता है तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। यांग उससे कहता है ये खत किस बारे में है, मुझे अभी के अभी बताओ। क्या तुम मेरे भाई से झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ किसी और मकसद से आए हो ना, वरना तुम मुझे देखकर इतने शॉक नहीं हो जाते। तो जियो कहता है मैं इसलिए शॉक हूँ क्योंकि तुम अचानक मेरे रूम में आ गए। यांग कहता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे वो लेटर दिखाओ। जियो उसे वो लेटर देने वाला होता है, साथ में वो उस पर हमला भी करने वाला होता है, पर तभी टियन वहां आ जाता है और जियो अपना हथियार छुपा लेता है। टियन यांग को अपने साथ लेकर चला जाता है। यांग टियन से कहता है हमें इस जियो पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये जरूर किसी और मकसद से यहाँ आया है। टियन उसे कहता है पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यांग। तो यांग कहता है तुम बस मेरी बातों का विश्वास करो, मुझे लगता है कि ये इंसान खतरनाक है। दूसरी तरफ चान माँ के पास पहुँचती है और उससे कहने लगती है कि वो अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पाया है। चान वहाँ जियो की बहन को भी देख लेती है, पर माँ कहता है कि ये मेरे वर्कर की एक बहन है जिसका ख्याल मैं रख रहा हूँ। माँ उससे कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि इस बार मैंने जिस इंसान को वहाँ भेजा है टियन उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और मुझे अपने उस वर्कर पर विश्वास है, वो अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। ये सारी बातें जियो का भाई फू सुन लेता है और फू सोचने लगता है पता नहीं टियन के साथ क्या होने वाला है। जियो अपने उन लेटर्स को देख रहा था तो उन लेटर्स में टियन का नाम लिखा हुआ था जो जियो ने खुद लिखा था। उसने बार बार टियन का नाम लिखा था।
जी उन लाइटर्स को जलाने वाला होता है, पर वो उड़कर सीधा सॉन्ग के पैरों तले आ जाते हैं। जी वहाँ पहुँचता है तो सॉन्ग कहता है कि लेटर किस तरीके के हैं और इन पर टियर का नाम क्यों लिखा है। तो जियो कहता है, टियर ने मुझे लिखना सिखाया था तो मैं बस लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। सॉन्ग कहता है, तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा, तुम टियर का नाम क्यों लिख रहे हो। पर जियो इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। जियो के जाने के बाद सॉन्ग सोचने लगता है, इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, ये केवल एक वर्कर तो नहीं लगता। पाओ कहता है, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मिस्टर टियन ने इसे काम पर रख कैसे लिया। सॉन्ग कहता है, टियन का कहना है कि इसने उसकी जान बचाई थी, पर मुझे कोई और ही बात लगती है। जियो अकेला बैठा उन लेटर्स को देख रहा था और टियन के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो खुद से कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी जगह क्या है और मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। ऐसा सोचकर वो उन लेटर्स को जला देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जी ये डिसीजन लेते हैं कि वो अपने गांव चोनीपुरी वापस जाएंगे और वहां जाकर बीटल ऑर्किड्स का एक एंटीडोट बनाएंगे जिससे जिया किसी और का मर्डर ना कर सके। सॉन्ग सबको इन्फॉर्म कर देता है कि डॉक्टर जी किसी काम से अपने गांव वापस जा रहे हैं और वो डॉक्टर जी की प्रोटेक्शन के लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी भेजता है। ली जिया से कहती है, डॉक्टर जी इस तरीके से अपने गांव गए हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई तो प्लान चल रहा है। जिया कहती है, पर हमारे लिए अच्छा ही है, इस वक्त अगर डॉक्टर जी होते तो मेरे लिए वो सिसाड़ा डस्ट बनाना मुश्किल पड़ जाता। रात का समय होते ही जिया और ली दोनों मिलकर वो सिसाड़ा डस्ट बनाने के लिए चले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो टियन को अराउज करने के लिए करने वाले थे। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करते हैं, रात भर काफी सारे सिसाड़ा की आवाज सुनाई देने लगती है। सब लोग अपने अपने रूम से बाहर निकल कर आते हैं। सॉन्ग कहता है, मैंने इतने सालों में कभी भी इंसेक्ट की इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं सुनी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।